हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल मैक विजी टेक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस ट्रिकी वीडियो में हम प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवियों को याद करने की एक लाजवाब ट्रिक सीखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है और ये कभी आपकी आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो वीडियो छोटा है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, प्रगतिवादी यानी कि प्रगतिवादी युग के कवियों को तीन श्रेणी में रखा गया है, प्रथम वर्ग के कवि, द्वितीय वर्ग के कवि और तृतीय वर्ग के कवि, जिनमें से दूसरे वर्ग के कवि प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जिनको याद रखने की जो हमारी ट्रिक है वो है राम रंग शिवनांग लोचन के नाथ हैं। क्या है ट्रिक? राम रंग शिवनांग लोचन के नाथ हैं, ये हमारी ट्रिक है। छोटा सा वाक्य है, सेंटेंस है, राम रंग शिवनांग लोचन के नाथ हैं, तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब दोस्तों, इस ट्रिक में, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में जितने भी जो हमारे शब्द हैं, जो वर्ड हैं, उनसे हम मतलब निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं राम, तो राम से हम समझेंगे राम विलास शर्मा, और उसके बाद में है रंग, तो रंग का यहाँ पे मतलब है रंगे राघव, रंग से है रंगे राघव, और उसके बाद में जो हमारा शब्द है वो है शिव, तो शिव से हम यहाँ पे समझेंगे शिव मंगल सिंह सुमन, और उसके बाद में है नांग, तो नांग का मतलब है यहाँ पे नागार्जुन, तो नांग से हम कौन से कवि समझेंगे? नागार्जुन, और उसके बाद में जो हमारा शब्द है वो है लोचन, तो लोचन से हम यहाँ पे जो कवि का नाम समझेंगे वो है त्रिलोचन, और उसके बाद में केनाथ, तो केनाथ का यहाँ पे जो मतलब है वो है केदारनाथ अग्रवाल, तो केनाथ का मतलब है केदारनाथ अग्रवाल। अब दोस्तों, इन सभी कवियों को हम उनके जन्म और मृत्यु सन के साथ में भी जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो शब्द था राम, तो राम का मतलब क्या है? राम विलास शर्मा, राम से है राम विलास शर्मा, जिनका जन्म 1912 को हुआ और मृत्यु 2000 में हुई। उसके बाद में रंग, तो रंग से आपने मतलब निकाला था रंगे राघव, जिनका जन्म 1923 में हुआ और मृत्यु 1962 ईस्वी में। उसके बाद में शिव, तो शिव से आपने जो मतलब निकाला था वो था शिव मंगल सिंह सुमन, और इनका जन्म 1915 को और मृत्यु 2002 में। उसके बाद में नांग, तो नांग से नागार्जुन, जिनका जन्म 1910 में और मृत्यु 1998 में। और उसके बाद में जो हमारा शब्द लोचन, तो लोचन से जो मतलब था हमारा वो था त्रिलोचन, तो त्रिलोचन का जो जन्म हुआ था 1917 में और मृत्यु 2007 में। और उसके बाद में केनाथ, तो केनाथ का मतलब केदारनाथ अग्रवाल, और जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 2000 में हुई। तो दोस्तों, यदि आप प्रथम वर्ग तथा तृतीय वर्ग के कवियों की ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब मैं आए दिन नए नए टॉपिक पर ट्रिकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जो आपकी नज़दीक आ रही परीक्षा के लिए रामबाण औषध की तरह साबित होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर देना। धन्यवाद।